सो वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में कक्षा 12वीं के जो विषय हिंदी का पेपर है देख लीजिए, पूरा पूरा आपका रियल पेपर हमारे पास आ चुका है। सो इस वीडियो में जो है आपको हिंदी का जो पेपर है पूरा पूरा एक एक क्वेश्चन सहित आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बता दिए जाएंगे। सो गाइस चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे क्वेश्चन देख लीजिए। जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का आया है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। सो गाइस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस देख लीजिए यहाँ पर टोटल आपके 23 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। गाइस अभी आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो सभी विषय के पेपर है इसी चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। गाइस यहाँ पर चलिए यहाँ पर आपको रोल नंबर है 1201 जो है आपके जो ए सेट का पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का जो कोड रहता है वो 1 रहता है। यहाँ पर हिंदी माध्यम में आपका पेपर, चलिए यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 23 और यहाँ पर पूर्णांक आपका 80 का रहने वाला है। सो गाइस यहाँ पर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 6 से 15 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर गाइस फिर यहाँ पर 20 से 23 तक यहाँ पर विश्लेषणात्मक आपके प्रश्न है। और चलिए अब आपके जो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे पूरे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है, देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि 6 नंबर के हैं। सो इस यहाँ पर देख लीजिए पहला है भक्ति सेवक धर्म में स्पर्धा कर रही थी, किसकी? राम की, हनुमान की, कृष्ण की, के लक्ष्मी जी की। सो इस इसमें जो आपका 100 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हनुमान। सो इसमें आपका 100 राइट आंसर हनुमान हो जाएगा। इसके बाद है चौके के गीले होने का भावार्थ है, इसमें हो जाएगा आपका इसमें दिया हुआ 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इसमें 100 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन के लिए तैयार होना। फिर गाइस इसके बाद जो है तीसरा ज्यादा सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है, किससे? स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती। सो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा रजत जयंती राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस इसके बाद जो आ जाता है चौथा, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं कितनी है? यहाँ पर 4 है या 3 है या 5 है या 7 है। सो इसमें हो जाएगा 5, इसमें 5 संस्थाएं हैं। फिर गाइस इसके बाद पाँचवा ज्यादा है, यहाँ पर देख लीजिए जो आपको ये दिया हुआ है यह किसकी परिभाषा है? यहाँ पर देख लीजिए यह है जो है वो आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है। सो इस यहाँ पर आप जल्दी से इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस इसके बाद आ जाता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, जो टेढ़ी खीर है मुहावरे का अर्थ 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, खीर खाना, सरलकार, मीठी खीर और कठिनकार। सो गाइस इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा जो कठिन कार्य, यहाँ पर टेढ़ी खीर हो जाएगा कठिन कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस इसके बाद जो आ जाते हैं आपके क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर कीजिए। जो आपको ये शब्द दिए हुए हैं इन्हीं से आपको इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए यहाँ पर 7 नंबर के आपके देख लीजिए रिक्त स्थान है, यहाँ पर देख लीजिए पहला, सीरीज का पेड़ अपना रस डॉट डॉट से खींचता है, किससे? जड़ से या वायुमंडल से? सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। फिर इसके बाद दूसरा जाता है बगलों के पंख के रचनाकार डॉट डॉट है कौन है? उमाशंकर जोशी या प्रमानंद? सो इसमें हो जाएगा आपका उमाशंकर जोशी राइट आंसर। इसके बाद आ जाता है तीसरा, कूटकरण को डॉट डॉट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? एनकोडिंग या डीकोडिंग? सो इसमें हो जाएगा एनकोडिंग। फिर गाइस इसके बाद चौथा है, आनंदा की पाठशाला डॉट डॉट से लगती थी, कितने बजे से लगती थी? 10 बजे या 11 बजे से? सो इसमें 11 बजे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा ज्यादा, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं यह डॉट डॉट वाक्य कैसा वाक्य? साधारण या संयुक्त? सो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण, जो ये वाक्य दिया हुआ है। फिर गाइस इसके बाद राइट आंसर इसका जो राइट आंसर साधारण वाक्य हो जाएगा। इसके बाद छठवा है, गद्य पद्य मिश्रित काव्य डॉट डॉट कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पर हो जाएगा चंपू काव्य। फिर गाइस इसके बाद सातवां, आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। सो इसमें आपका सातवां में भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपके जो है रिक्त स्थान पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो है सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, देख लीजिए सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ियाँ आपकी। चलिए यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिला लेते, देख लीजिए पहला, पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक से आपको किससे मिला देना है? यहाँ पर हो जाएगा फड़ीस, जो आपका फड़ीस और नाथ रेणु दिया हुआ है इससे आपको मिला देना। फिर दूसरा हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा आत्मपरिचय। फिर है अतीत के पाँव, अतीत के पाँव हो जाएगा आपका यात्रा वृद्धांत। और गाइस चौथा हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगी देवनागरी। और शब्द गुण हो जाएगा यहाँ पर जो शब्द गुण है मधुर ओज प्रसाद, यहाँ पर हो जाएगा प्रसाद मधु जो आपको दिया हुआ है। फिर गाइस इसके बाद छठवां है समाचार लेखन, यहाँ पर समाचार लेखन हो जाएगा आपका 6 कारक, सुबह यहाँ पर 6 कारक हो जाएगा। इसके बाद गाइस आपके जो है यहाँ पर देख लीजिए एक शब्द वाक्य में क्वेश्चन आ जाते हैं। सो गाइस चलिए
एक शब्द वाक्य के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। सुबह से यहाँ पर ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे। सुबह से यहाँ पर देख लीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए जो कि 7 नंबर के हैं आपके। चलिए पहला है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा से आप क्या समझते हैं? देश की राजकीय कार। सुबह से यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। दूसरा है, कविता का पहला उपकरण क्या है? यहाँ पर शब्द हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद तीसरा है, यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? कौन से स्कूल से? यहाँ पर हो जाएगा अल्मोड़ा के जो रेजम्यू स्कूल था उससे जो है इसकी परीक्षा पास की थी। सो गाइस इसके बाद चौथा ज्यादा जो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना, हम आपको लिखकर पूरे पूरे इसके आंसर बता देंगे। फिर गाइस इसके बाद चौथा है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? कहाँ कहाँ उड़ सकती है? बिल्कुल सिंपल ही आपको बताना। फिर गाइस इसके बाद जो है, राजा ने लुटन से क्या कहा? सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए। फिर आ जाता है यहाँ पर छठवा, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन किसका है? यहाँ पर यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। सो इसके बाद सातवां ज्यादा, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है? सो इस बिल्कुल सिंपल है, आपके जो इनके क्वेश्चनों के आंसर है वो हम कॉपी में लिख लिए हैं। सो इस वहाँ से आपको पूरे पूरे इनके आंसर बता देंगे। चलिए अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट है आपके सत्य सत्य। देख लीजिए यहाँ पर सत्य सत्य है, सत्य सत्य वाक्यों का चयन कर लिखिए यहाँ पर। चलिए सत्य सत्य देख लेते हैं जो कि आपके 6 नंबर के हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, पहला है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं? सो गाइस बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर गाइस इसके बाद जो है, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर ये आपका जो है सत्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। फिर इसके बाद चौथा है, लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, सो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है, पाठ रुबाइयों व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर निछावर कर दिया है, सो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद जो है छठवां है, मेरी कल्पना का आदर्श सामाजिक पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, सो ये आपका असत्य हो जाएगा। सो गाइस पहला और आपका जो तीसरा वो सत्य है और बाकी सब असत्य हैं। सो गाइस ये आप जल्दी से याद कर लीजिए। फिर गाइस इसके बाद जो है आपके प्रश्न आ जाते हैं, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, कीर्तन अपना जो है वह भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपा दी? देख लीजिए यहाँ पर भक्तिन लिखना है, जो प्रिंट जो है जो आपका पेपर है यहाँ पर देख लीजिए जो प्रिंट गलत है, यहाँ पर भक्तिन अपना वास्तविक नाम के जो है लोगों से क्यों छुपा दी? 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। अथवा दिया हुआ है, पर्ची जिंग पाँव से आपका क्या आशा है? सो गाइस इसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन रहता है, बच्चे किस बात की आशा में नीटों से झांक रहे होंगे? अथवा मैं रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? सो गाइस ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। फिर गाइस इसके बाद आठवां क्वेश्चन है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है आपको, 2 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद अथवा है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद गाइस आपका 9वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कर लिखना है आपको। देख लीजिए पहला है, अपना उल्लू सीधा करना। इसके बाद 2 है, खाक छानना। सो गाइस आपका जो है वाक्य में प्रयोग करना है आपको, इसका अर्थ भी लिखना है। अथवा दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखना है। देख लीजिए गलत वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको शुद्ध करके जो है इसको शुद्ध कर देना आपको। तो वही से हम आपको बता देंगे आपको कैसे करना है। तो वही से यहाँ पर आपको वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ध्यान करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद गाइस जो आ जाता है 10वां क्वेश्चन, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद अथवा में नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर लिखना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखना है। इसके बाद अथवा में व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की थी। इसके बाद अथवा मैं मोहन जोदड़ो के घर है कि कोई 2 विशेषताएं बताना है। इसके बाद गाइस आपका ज्यादा 13वां क्वेश्चन, फीचर लेखन से क्या सा है? 2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके। अथवा में दिया हुआ, बिंब क्या है? कविता में बिंब का क्या आकार है? वही से आपके जो है 13वां क्वेश्चन ज्यादा 14वां है, भाव पल्लव कर लिखिए यहाँ पर। देख लीजिए यहाँ पर इसको आपको भाव पल्लव कर लिखना है। इसके बाद अथवा मैं उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए ये दोनों के एक एक उदाहरण लिखना है। इसके बाद गाइस आपका आ जाता है 15वां क्वेश्चन, छायावाद के 2 कवि प्रवृत्तियाँ लिखते हुए छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखना है। फिर गाइस इसके बाद अथवा मैं प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए उनके जो है 2 कवि भी लिखना है प्रगतिवादी की। सो गाइस आपके जो 15वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? फड़ी स्वर्णनाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर जो है आपको देख लीजिए यहाँ पर 2 रचनाएं लिखना है, कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान। सो गाइस इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे।
इसके बाद 17वां क्वेश्चन है कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय के जो काव्यगत विशेषताएं यानी दो रचनाएं लिखनी है भाषा शैली और साहित्य में स्थान। सो गाइस इतना लिख देंगे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद गाइस आपका ज्यादा 18वां क्वेश्चन आधुनिक भारत इस शीर्षक पर एक अनुच्छेद लिखना है अथवा दिया जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर तथा नागरिक का संबंध लिखिए। यहाँ पर गाइस संवाद लिखना है आपको। सो गाइस यहाँ पर ये आपका 18वां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित आपटित गद्यांश आपटित काव्यांश के प्रश्नोत्तर लिखिए। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए ये आपको आपटित है जो आपने पढ़ा नहीं होगा देख लीजिए यहाँ पर इसके जो आपको ये दिख रहा है गद्यांश। सो गाइस इसके जो क्वेश्चन है देख लीजिए यहाँ पर इसका शीर्षक लिखना है और गाइस ये प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। सो गाइस इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अथवा में भी आपको देख लीजिए ये काव्यांश है। सो गाइस इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आपको शीर्षक बताना है। इन तीनों क्वेश्चनों को आपको इसके आंसर बताने इसमें मिल जाएंगे। फिर गाइस इसके बाद 20वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित पद्यांश किस संदर्भ सहित व्याख्या करना है। देख लीजिए पद्यांश दिया हुआ है आपको इसकी आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है अथवा में भी आपको दिया हुआ है। फिर गाइस इसके बाद जो है 21वां क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित जो है व्याख्या करना है। सो गाइस इसके बाद गद्यांश आपको देखने को मिलने वाला है जो 4 नंबर का है। सो गाइस यहाँ पर 4 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। गद्यांश में संदर्भ प्रसंग लिखना है और गाइस अथवा में भी मिल जाता है दोनों में से एक बन जाए। सो गाइस दोनों में से आपको एक ही करना है। फिर गाइस इसके बाद जो है 12वां क्वेश्चन आ जाता है। 12वां क्वेश्चन है आपका देख लीजिए हम अपने मित्र को हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है अथवा दिया हुआ उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र लिखिए। सो इस यहाँ पर अथवा का भी आप कर सकते हैं। इसके बाद 23वां क्वेश्चन है किसी एक विषय पर जो है 120 शब्दों में निबंध लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर 5 आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर कोरोना या स्वच्छवाद अभियान देख लीजिए यहाँ पर 5 मिल जाते हैं। सो इस 5 में से आपको किसी एक जो विषय पर है 120 वर्ड में जो है 120 शब्दों में निबंध लिख देना है। सो इस बिल्कुल सिंपल है 4 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। इस तरह का जो आपका पेपर है पूरा हमने कम्प्लीट करा दिया। अब गई जल्दी से आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गई इस तरह जो आपका पेपर 23 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए और गई जितने क्वेश्चनों के आंसर रह गए प्रश्नोत्तरों के जो सॉल्यूशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। सो गई जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।